आधार सुंदर साथ जी, आप सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रबोधित किया था। अर्जुन को विषाद होता है, योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम योग की शिक्षा देते हैं। उस समय के इतिहास को देखते हैं तो लगता है कि जैसे एक अर्जुन है श्रोता जो सुनने वाला है और एक श्री कृष्ण है वक्ता जो सुनाने वाले हैं। लेकिन आज 5000 साल बीत गए, जो संबोधन, जो ज्ञान, जिस निष्काम योग की शिक्षा योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, आज 5000 वर्ष बीतने के बाद भी वो संसार के हर मानव को संदेश दे रहा है निष्काम कर्म का। क्योंकि सत्य अपरिवर्तनीय होता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि युग बीते पर सत्य न बीता, युग सब हारे पर सत्य न हारा। सत्य ध्रुव तारे की तरह है, सदियां बीत जाती हैं, संबोधन एक व्यक्ति का एक व्यक्ति को होता है, लेकिन उससे जो संदेश निकलता है वो पूरी मानवता के लिए होता है। बीतक में एक ऐसा संबोधन है जो श्रीजी और जयराम कंसारा के बीच में है। बीतक को पढ़ेंगे, बीतक के घटनाक्रम को पढ़ेंगे तो लगता है कि जैसे श्रीजी ने जयराम कंसारा को प्रबोधित किया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सत्य अपरिवर्तनीय है। यदि इस छोटे से संवाद को हम हृदय की गहराई से सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो हर कोई जयराम कंसारा के भीतर अपने आप को देख सकता है, अपना प्रतिबिंब देख सकता है। और यह प्रतीत होता है कि जैसे श्रीजी केवल जयराम कंसारा को नहीं वरन आने वाले सभी सुंदर साथ को संबोधित कर रहे हैं। जयराम कंसारा दीप बंदर के सुंदर साथ हैं, जो नौतनपुरी में आते हैं, देवचंद्र जी से तारतम लेते हैं, उन्हें सत्य की पहचान होती है। लेकिन कबीर जी ने ठीक कहा है, काजल केरी कोठरी तैसा ये संसार, कि भले ही कोई ऊंचाइयों पर बैठ करके, शिखर पर बैठ करके अध्यात्म का सच्चा संदेश सुनाए, लेकिन लौटना तो सबको अपनी घाटियों में ही है। जयराम भाई कंसारा को पहचान होती है सदगुरु की, उनके भीतर देखे स्वरूप को वो जानते हैं, सत्य की सोहबत होती है, सत्य का ज्ञान होता है। लेकिन काजल की कोठरी में प्रवेश करें तो फिर काला टीका लगाए बगैर कोई बच नहीं सकता। जयराम भाई कंसारा भी दीप बंदर में अपने घर पर लौटते हैं, फिर से संसार में खो जाते हैं। उनका व्यवसाय है बर्तन बनाने का, कांसा कूटते हैं। वो धाम, वो चर्चा, वो चितवनी, वो सत्य की राह सब खो जाता है और संसार फिर से हावी हो जाता है। जयराम भाई कंसारा बर्तन कूटता है, कांसा कूटता है, लेकिन यदि हम जयराम के अंदर अपने चरित्र को देखें, अपने आप को देखें, तो हमें भी यही प्रतीत होगा कि हम भी तो कांसा कूट रहे हैं। कोई धन को लेकर के बैठा है, कोई पद को लेकर के बैठा है, कोई यश को लेकर के बैठा है, कोई सम्मान को लेकर के बैठा है, कोई पद को लेकर के बैठा है, सबके अपने अपने कांसे हैं, हर कोई उसको कूट रहा है। ए माया छे अति बलवंती, तेता पीड़े दुष्ट ने साथ, चाहे कोई दुष्ट है चाहे कोई साधु है, माया ने सबको लगा रखा है अपने अनेक हथियारों से इस संसार के अंदर। लेकिन सृजी के भीतर जब युगल स्वरूप विराजमान होते हैं, उन्हें जब युगल स्वरूप का साक्षात्कार होता है, उनके भीतर एक अंतः प्रेरणा जागती है कि सबों के सुख कारणे तू जाहिर भई महम्मत। जातक कथाओं में वर्णन आता है कि जिस दिन बुद्ध को साक्षात्कार हुआ, जिस दिन बुद्ध को परम तत्व की अनुभूति हुई, उस दिन बुद्ध मौन हो गए। उन्होंने संसार में बोलना छोड़ दिया, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। उन कथाओं में वर्णन आता है कि बुद्ध के सामने देवता आए, उन देवताओं ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि भंते,
सदियों सदियों बीतती हैं, कोई कोई होता है जो इस संसार से परे को प्राप्त करता है, उस परम तत्व को जानता है और अपनी आप की पहचान करता है। आज वो अलौकिक क्षण आया है कि इस धरती पर आपने सत्य को जाना। यदि आज आप मौन रहे, यदि आज आप इस संसार में कुछ न बोले, संसार तो एक भीड़ है, यहां पर अंधे गूंगे और बहरे लोग रहते हैं जिन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोई कोई है जो प्रयास कर रहा है। किसी किसी के भीतर तो चेतना जागी है, किसी किसी के भीतर तो ये भावना जागी है कि मैं इस सत्य की खोज करूं, इस संसार से परे जो है उसको देखूं। यदि आप कुछ बोलेंगे आपके वचनों से, आपकी वाणी से, हो सकता है कि किसी को दीपक मिल जाए। जो जानना चाहता है इस संसार से परे के तत्व को, उसको सहारा मिल जाए। बरसों बरसों में कोई उसको जानता है, आप बोलिए। और फिर कहा कि उसके बाद बुद्ध बोले संसार पे। सृजी के भीतर जब सत्य ज्ञान प्रज्वलित हुआ, उन्हें भी ऐसा अनुभूति होती है कि ए वाणी देत मेरा जीव निकसे, कि संसार में कोई है ही नहीं जो इन बातों को स्वीकार करे। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि हीरे की तिजोरी को बार बार मत खोल, आएगा कोई बेहद का साथी लेगा महंगे मोल। कि क्या हर किसी के सामने इस पोटली को खोल करके बैठना, यहां इसको खरीदने वाला कोई भी नहीं है। कोई आएगा बेहद का साथी जो इस ज्ञान को महंगे मोल खरीदेगा। सृजी के भीतर अंतस प्रेरणा जागती है, सबों के सुख कारणे तू जाहिर वही मोहम्मद। भले ही ये ज्ञान तुम्हारे भीतर आया, लेकिन तू सबों के लिए जाहिर हुई। और उनके भीतर ये उद्घोष होता है कि सुख शीतल करूं संसार, कि इस ज्ञान को, इस आनंद को, ये जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इसको सारे संसार में बांटूं। मैं अमेरिका गया था, एक सुंदर साथ ने मुझसे पूछा था कि हमारे माता पिता आज भी ये कहते हैं कि हमें किसी का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, हम केवल राज्य का सृजी का प्रसाद लेते हैं, सृजी के अलावा किसी और का प्रसाद नहीं लेते। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम पूरे संसार में सुख शीतल की कामना करते हैं, ब्रह्मवाणी के प्रचार की बात करते हैं, इन बातों से क्या हमारे संप्रदाय की संकीर्णता नहीं झलकती? ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा। स्थूल को पकड़ना बड़ा सरल है, स्थूल को पकड़ना बड़ा सरल है, लेकिन जो सूक्ष्म है, जो छिपा हुआ है, जो अंतस की बात है, उसको पकड़ना बड़ा कठिन है। हम स्थूल को पकड़ लेते हैं, हर कोई आरती उतार सकता है, लेकिन भीतर की आरती क्या है, स्वयं को अर्पण करना, वो आरती कभी नहीं होती। बाहर से हर कोई झुका है, मैं देखता हूं लोग मंदिरों में साष्टांग लेते हैं, लेकिन भीतर से झुकना कितना कठिन है। बाहर से जो प्रसाद मिल रहा है उसको लें, उसको ना लें, ये तो बहुत सरल बात हुई, लेकिन प्रसाद है क्या? एक सत्पुरुष के पास देने के लिए क्या है? एक सत्पुरुष के पास देने के लिए है उसका ज्ञान, वो आनंद जो उसने प्राप्त किया, वो प्रेम जिसकी अनुभूति उसने की। हम कहते तो हैं कि हम सृजी का प्रसाद लेते हैं, प्राणा जी का प्रसाद लेते हैं, लेकिन प्राणा जी का प्रसाद तो ये अलौकिक वाणी है जो उनके माध्यम से उतरी, जो इस संसार में आई। कोई है जो इन बातों को अपने जीवन में उतारे? कोई है जो इस अलौकिक ज्ञान रूपी प्रसाद को ग्रहण करे? सृजी चले हैं उस प्रसाद को बांटने के लिए, क्योंकि उनके भीतर यह एहराम जागा है कि सुख शीतल करूं संसार। अहमदाबाद से होते हुए पहला सुंदर साथ है जयराम भाई कंसारा, जिसकी चौखट पर सृजी आहट करते हैं। ऐसे लोग बड़े धन भागी होते हैं। व्यक्ति को जब प्यास लगती है तो वो कुएं के पास जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी अलौकिक घटनाएं भी घटी हैं इतिहास के अंदर, जब कुआं चलकर के प्यासे के पास आया हो। सृजी एक कुआं है,
जिसके अंदर जल भरा है अगाध ज्ञान का, अगाध प्रेम का। मैं कई बार सुंदर साथ से कहता हूं कि सृजी के जीवन को देखा जाए, यदि उनके ज्ञान को देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि अध्यात्म के आकाश में एक इंद्रधनुष उगाया है जिसमें अनेक रंग खिले हैं, जिसमें ज्ञान का पीत रंग भी है, प्रेम की लालिमा भी है। वो रस से भरा कुआं दस्तक देता है जयराम भाई कंसारा के द्वार पर। हम संसार में रहते हुए संसार की बातें सीख जाते हैं, संसार का व्यवहार सीख जाते हैं, संसार के जैसे हो जाते हैं। जयराम भाई कंसारा भी संसार के हो चुके। सृजी उनके द्वार पर आते हैं। जयराम भाई कंसारा सृजी को देख करके पहला प्रश्न पूछते हैं कि तुम आए कौन काज, कि कहो महाराज कैसे आना हुआ। संसार में हमारा सबसे व्यापार है, संसार में हमारा सबसे स्वार्थ रहता है। हम यही सोचते हैं कि किसका हमसे क्या प्रयोजन हो सकता है। जयराम भाई कंसारा पूछते हैं कि क्या प्रयोजन है, कैसे आना हुआ, क्या कारण है। लेकिन आपने देखा है सूरज प्रतिदिन उगता है, क्या सूरज के उगने का कोई प्रयोजन है? नहीं, सूरज तो उगता है अपने प्रकाश को चारों तरफ बिखेरने के लिए। चाहे कमल हो चाहे कीचड़ हो, उसका प्रकाश सब पर समान रूप से पड़ता है। चंद्रमा आता है अपनी शीतलता को लेकर के सब पर अपनी शीतलता की चादर उड़ेल देता है। एक फूल है, सुगंधी है उसके अंदर, वो ये फर्क ही नहीं करता कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलती है। जयराम भाई कंसारा सृजी से पूछते हैं कि तुम आए कौन काज। सृजी सुंदर उत्तर देते हैं। सृजी कहते हैं कि हम आए तुम्हारे काज। मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूं। और सृजी अपनी बात आरंभ करते हैं। बहुत सुंदर संबोधन सृजी का जयराम भाई कंसारा के लिए। सृजी कहते हैं जयराम भाई कंसारा से कि तुम साथी देव चंद्र जी के, नूर रोशनी न दिल में ले आई, धाम धनी को देख कर तुमको शर्म ना आई। सृजी कहते हैं कि तुम साथी देव चंद्र जी के। बड़ा सौभाग्य होता है कि जब जीवन में कोई सत्पुरुष आए, वो आपका साथी बने, उसके साथ रहने का मौका मिले, उससे कुछ बातें सीखें, उससे जो आनंद उप रहा है, उसके अंदर जो शांति प्रकट हुई है, उसके अंदर जो परमात्मा का दिव्य ज्ञान और प्रेम एक सागर की तरह उमड़ रहा है, उसकी कुछ बूंदें ले ली जाएं, उसका कुछ प्रसाद ले लिया जाए। और इतिहास गवाह रहा है, जहां जहां नानक का नाम होगा वहां मर्दाना का नाम आएगा, जहां जहां बुद्ध का नाम होगा वहां आनंद का नाम आएगा, जहां रामकृष्ण परमहंस का नाम होगा वहां विवेकानंद का नाम आएगा, जहां बिरजानंद का नाम होगा वहां दयानंद का नाम आएगा, जहां देवचंद्र जी की बीतक होगी वहां गांगजी भाई सबसे पहले आएंगे, जहां सृजी की बात होगी वहां पर सबसे पहले लालदास जी का नाम आएगा। ये जितने भी साथी हुए ये एक छाया की तरह इनसे जुड़े रहे, क्योंकि मर्दाने ने जाना नानक के अंदर जो प्रकट हुआ है ये कभी कभी प्रकट होता है। आनंद ने भी देखा बुद्ध के अंदर एक ऐसे दीपक को, गांगजी भाई ने सबसे पहले देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान की। ये जुड़े रहे, इन्होंने उस निस्बत को जाना कि तुम्हें जीवन में कौन मिला है, किसका साथ तुम्हें मिला। सृजी कहते हैं जयराम भाई कंसारा से तुम साथी देवचंद्र जी के, कि तुम तो देवचंद्र जी के साथ ही रहे। कितने दिन तुम नौतनपुरी में रहे, तुमने उनसे तारतम लिया, तुमने उनसे ज्ञान को सुना, तुमने उनसे चर्चा को सुना, उनके मीठे वचन तुम्हारे हृदय को भेद गए, पर नूर रोशनी न दिल में ले आए। लेकिन तू अभागा, तेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य, तेरी फूटी किस्मत, नूर रोशनी न दिल में ले आई। होता है ऐसा अक्सर कि लोग बारिश में भी खड़े होते हैं लेकिन भीग नहीं पाते। संसार के अंदर चंद्रमा उगता है, एक दिन अमावस आती है वो छिप जाता है, लेकिन देवचंद्र जी के अंदर जिस ज्ञान का चंद्रोदय हुआ,
वो चंद्रमा जब तक इस संसार में रहा अपनी 16 कलाओं के साथ चमका। जो दीपक देवचंद्र जी के भीतर प्रज्वलित हुआ उस दीपक ने कितनों को राह दिखाई। गांगजी भाई, गंगाबाई, बेनबाई, नेनबाई, मानबाई, कितने ही ऐसे सुंदर साथ थे जो दीपक की तरह उनके संपर्क में आए और प्रज्वलित हो उठे। कितने लोगों का जीवन बदल गया, कितने लोगों के हृदय में धाम की सुगंधि प्रकट हो गई। लेकिन तू अभागा, नूर रोशनी न दिल में ले आई। कि दीपक के साथ रहकर भी दीपक की रोशनी तेरे दिल में ना उतरी, चंदन के साथ रहकर भी चंदन की सुगंधि तेरे चरित्र में ना उतरी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तुम साथी देवचंद्र जी के नूर रोशनी न दिल में ले आई। श्रीधाम धनी को देखकर तुमको शर्म ना आई कि कितनी बड़ी लज्जा की बात है। एक सुंदर साथ ने मुझसे पूछा था कि जब हम सेवा पूजा करते हैं तो परिक्रमा को पहले किया जाए या भोग को, स्वरूप को पहले पढ़ा जाए। मैंने उनसे पूछा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अक्षरातीत को हमने प्रेम का स्वरूप कहा। यदि श्री कृष्ण प्रेम के वसीभूत होकर के विदुरानी के यहां पर केले का छिलका खा सकते हैं और केले की गिरी को फेंक सकते हैं, प्रेम के वसीभूत होकर के यदि राम सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, प्रेम का स्वरूप और हमारी ये बात कि स्वरूप को पहले बोला जाए या परिक्रमा को पहले बोला जाए, मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने मुझसे तपाक कहा कि हमें डर लगता है कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। मेरे हृदय में उस दिन ये बात आई कि धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, जो याद न किया धनी धाम, जहर जमी को लगी रही भूली आठोया। कि सब कुछ तो भूल गए, सब कुछ तो खो गया, प्रेम समाप्त हो गया, जीवन में न प्रेम की सुगंधी है, न स्वरूप की पहचान है, न स्व की पहचान है, न पर की पहचान है, इससे बड़ा अनिष्ट और हो ही क्या सकता है। लेकिन हम उलझ जाते हैं छोटी छोटी बातों के अंदर। जयराम भाई कंसारा को श्री जी कहते हैं कि धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई। तुमने देखा देवचंद्र जी के अंदर युगल स्वरूप को, उनके अंदर तुम्हें उसकी झलक दिखाई दी, लेकिन सब कुछ छोड़ करके तुम आज फिर से उस संसार में लौटे हो, तुमको शर्म ना आई। कितने शर्म की बात है, इससे बड़ा अनिष्ट तुम्हारे जीवन में क्या हो सकता है। एक पाती ना लिखी। श्री जी कहते हैं कि जिस बन्नव वनराय के नीचे बैठ करके देवचंद्र जी चर्चा करते थे, देवचंद्र जी आए मानो नौतनपुरी के अंदर बसंत लगा। उनकी वाणी से अमिरस झरझर बहता था, मेहर की बूंदें, मेघ की बूंदें जेती गिरे, कोई बन पत्र न निर्माण करे, जदीप या को निर्माण होए, गुण धनी को न गिने कोए। कि जब मेघ बरसता है संसार के अंदर, बादल बरसते हैं, तो कोई भी बन का पत्ता, कोई भी वृक्ष का पत्ता, कोई बूंदों को गिनने नहीं बैठता, वो तो बस भीग जाता है उस मेहर के अंदर, उस मेघ की वर्षा के अंदर। लेकिन वन में गिरने वाली मेघ की एक एक बूंद को गिना जा सकता है, लेकिन जो ज्ञान और जो प्रेम का मेघ नौतनपुरी में रूवल्ला जो बादल बनकर के आए, उनके द्वारा बरसा, जो बसंत वहां पर लगा, उनकी बूंदों को कोई नहीं गिन सकता। यदि पिया को निर्माण होए, पर गुण धनी के न गिने कोई। लेकिन देवचंद्र जी संसार से चले गए। देवचंद्र जी धाम चले गए, नौतनपुरी में जो बसंत लगा वो समाप्त हो गया, पतझड़ की ऋतु फिर से आ गई। अब वहां पर ज्ञान की चर्चा सुनाने वाला कोई नहीं रहा। लेकिन तुम्हारा हृदय तो देखो, एक पाती ना लिखी, तुमने एक पाती भी नहीं लिखी। हो जाते हैं हमारे हृदय ऐसे कठोर, हमारे हृदय के अंदर कोई
कोमलता नहीं रहती। मैं देखता हूं कई बार लोगों को, लोग आते हैं मरती हुई हालत में अस्पतालों में, जब अस्पतालों से वापस अपने घरों में जाते हैं, कई हजारों का बिल दे करके जाते हैं, फिर भी अस्पतालों में डॉक्टरों के आगे सिर झुका करके जा रहे हैं कि आपकी बड़ी अनुकंपा, आपने हमारा जीवन बचा लिया। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जिसने तुम्हें जीवित रखा, जिसने तुम्हें सांसें दी, जो तुम्हारे जीवन के अंदर, जो तुम्हारे शरीर में प्राण बन करके जोड़ा, कभी भी व्यक्ति बिना किसी मांग के, बिना किसी स्वार्थ के उसके आगे जाकर के दो शब्द नहीं कहता। हमारी कोई तो मांग सच्ची हो। मंदिरों के अंदर मैंने देखा है, लोग झुकते तो हैं, लोग मांग तो रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थनाएं सच्ची नहीं है। सच्ची प्रार्थनाएं उठती हैं अस्पतालों से, जब लोग देखते हैं अपने साथी को, अपने सगे संबंधी कुटुंब परिवार को इस संसार से जाते हुए। हम सोचते हैं कि हमारा मन क्यों नहीं लगता, प्रार्थनाओं में हमारा मन क्यों नहीं होता, ध्यान में बैठते हैं तो मन चारों दिशाओं में क्यों डूबता है, क्योंकि हम जिस चीज की मांग कर रहे हैं उसके साथ हमारा प्राण ही नहीं जुड़ा। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि साई के मंदिर में लगी हजारों भक्तों की भीड़, खाटू श्याम के मंदिर में लगी हजारों करोड़ों भक्तों की भीड़, क्या वो भक्त हैं? नारद जी ने जिस भक्ति सूत्र की व्याख्या की उसमें यही लिखा कि भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति का मतलब है कि अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना, जहां कोई मांग ही शेष ना रह जाए। इन मंदिरों में भक्तों की भीड़ नहीं लगती, इन मंदिरों में व्यापारियों की भीड़ लगती है, जो अपने साथ एक बही खाता लेकर के चलते हैं। श्री जी भी कह रहे हैं जयराम भाई कंसारा से कि देवचंद्र जी धाम चले गए, जिस सत्य स्वरूप से तुमने इतना ज्ञान लिया, जिसने तुम्हें जीवन की राह दिखाई, तुम्हारे हृदय में इतनी भी कोमलता नहीं रही कि तुमने एक पाती तक नहीं लिखी। ये प्रत्यक्ष चित्रण है हमारे हृदय की उस वृत्ति का कि हम धर्म के प्रति अपने आपने कर्तव्य को किस प्रकार में मुख होकर के बैठ जाते। कोई रुचि नहीं रहती हमारी। उसके बाद सिरजी कहते हैं कि बोए न आवत तुम में, न चर्चा न चितवन, कि तुम्हारे जीवन से कोई सुगंधि नहीं आती, उसमें कोई सुगंधि नहीं, न चर्चा की सुगंधि है, न कोई चितवन की सुगंधि है, उससे प्रेम और ज्ञान की कोई सुगंधि नहीं पैदा होती। इस संसार में जिस जिसने परमात्मा को पाया है, जिन ढूंढ्या जिसने परमात्मा को पाया, राखत जोर छिपाई, वो अपने भीतर उसको छिपा करके रखते हैं, वो ढिंढोरा नहीं पीटते। लेकिन यदि घर के किसी कोने में इत्र रखा हो, क्या उस इत्र की सुगंधि को कहीं कैद किया जा सकता है? यदि आपके आंगन में फूल खिलाएं, क्या आप अपने उस फूल की सुगंधि को अपने आंगन में कैद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उस फूल की सुगंधि चारों दिशाओं में फैलती है। उसी प्रकार से जिसने परम तत्व की आंशिक या पूर्ण रूप में अनुभूति की, भले ही वो उसको अपने भीतर जोर छिपाए, लेकिन उसकी सुगंधि तो चारों दिशाओं में फैलेगी। प्रेम होगा उसकी हर बात से प्रकट होगा, समर्पण होगा उसके हर कृत्य में झलकेगा, उसके हर व्यवहार में, उसकी हर बात में, उसके चाल चलन में परमात्मा अपने आप हजारों गुणों से प्रकटित होता है। श्री जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन से मुझे वो सुगंधि नहीं आती, जो सुगंधि पैदा हुई गांगजी भाई के चरित्र के अंदर, जो सुगंधि पैदा हुई गंगा बाई में, जो मेन बाई में, मान बाई में, वो सुगंधि तुम्हारे जीवन में नहीं है। बोए न आवत तुम में, ये हम सब के लिए सिखापन है। हम सब देख सकते हैं अपने चरित्र को, हम भी अपने आप को, अपना आत्म निरीक्षण कर सकते हैं कि क्या मेरे भीतर वो सुगंधि पैदा हुई। हम अपने भीतर लेकर के बैठे हैं दुर्गंध का अंबार,
काम क्रोध मद वासना लोभ अहंकार न जाने कितने विकार हैं जिनसे दुर्गंध आती है। एक छोटी सी कहानी मैं और कहना चाहूंगा कि एक मछुआरा था जो जीवन भर मछलियां पकड़ता था। एक दिन उसका जाना हुआ एक ऐसे शहर में जहां पर इत्र बेचे जाते थे। अब वो मछुआरा जिसने पूरा जीवन मछली की गंध दुर्गंध को झेला था, जिसका पूरा जीवन दुर्गंध में बीता, उसकी दुर्गंध से ऐसी यारी हो गई कि अब उसको दुर्गंध ही सबसे प्यारी सुगंध मालूम पड़ने लगी। अब वो इत्र के शहरों में जाता है, चारों तरफ इत्र की खुशबू है, कहीं से गुलाब, कहीं से चंपा, कहीं से चमेली, कहीं से खसखस, कहीं से चंदन। उसको लगता है कि कैसे दुर्गंध भरे शहर में मैं आ गया। जैसे जैसे वो भीतर जाता जाता है सुगंधी और ज्यादा प्रगाढ़ होती है, लेकिन उसका चित्त व्याकुल होने लगता है। उसके भीतर बेचैनी पैदा होने लगती है कि कैसी दुर्गंध इस संसार में उग रही है, चारों दिशाओं से आ रही है। व्याकुल होकर के बेहोश होकर के गिर जाता है, चारों तरफ भीड़ लग जाती है कि आखिर इसको हुआ क्या। साथ में उस भीड़ में एक मछुआरा भी था, उसने कहा कि इसका कीमिया मेरे पास है। उसके पास एक टोकरी थी जिसमें वो मछलियां पकड़ता था, जिस टोकरी से दुर्गंध आती थी मछलियों की, सड़ी गली मछलियों की। उस टोकरी को उसने जैसे ही उसके सिर पर रखा, उसे तुरंत होश आया। उसने कहा कि यही है जीवन की सबसे मूल्यवान सुगंधी। दुर्गंध के साथ रहते रहते उससे ऐसी यारी हो जाती है कि हमें वही सुगंधी प्रतीत होती है। संसार के जो व्यवहार हैं, ये संसार में मान मर्यादा, संसार के विकार, संसार का काम क्रोध, संसार में मैंपने की भावना, वर्षों से इसके साथ हम जीते आए हैं। अब इनसे यारी ऐसी हो गई कि हमें कोई टटोलता भी है, हमें लगात सर जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर से कोई सुगंधी नहीं आती, बोए न आवत तुम। इन इंद्रियन के विष को लगया सब संसार, ए मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए कुछ विचार। सर जी कहते हैं कि ये संसार का आकर्षण सबको अपनी तरफ खींच रहा है। योगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को घर दूना, आशा तृष्णा घर घर व्यापत, कोई महल न सुना। कि किसी को भी नहीं छोड़ा, पांचों इंद्रियों के पांच तत्वों ने, इंद्रियों के इन विकारों ने हर किसी को अपने अंदर अधीन कर लिया है, लेकिन तुमको तो चाहिए कुछ विचार। तुम देखो अपनी बुनियाद, तुम्हारे भीतर परमधाम की वासना है। तुम्हें वो अवसर मिला, तुम्हें सत्य का संग मिला, तुम्हें जीवन में तारतम ज्ञान मिला, तुम्हें देवचंद्र जी जैसा साथी मिला। यदि ऐसा अवसर भी तुम चूक गए तो तुमसे बड़ा दुर्भागी कौन होगा। कोई न अघाया इनमें, सृजी का यह वाक्य हम सब के लिए सदैव स्मरण करने योग्य है। कोई न अघाया इनमें, आज दिन तक इस संसार में किसी को भी तृप्ति नहीं हुई। एक बात को सदैव याद रखिए सुंदर साथ जी, इस बस्ती में कभी किसी की बस्ती नहीं बसती। यहां बस्तियां बसती ही हैं उजड़ने के लिए। जैसे मृग जल है, एक धोखा है कि दूर दिखाई देता है पानी ही, लेकिन वहां कुछ है नहीं। लेकिन जीवन बीत जाता है हिरण का उस दौड़ में, उस पानी को पाने में। हमें दिखता है कि कल सुख आएगा, लेकिन कल जब आता है तो एक और आशा जगती है कि अब आने वाले कल में सुख आएगा। जिस पद पर हम हैं, जिस धन में हम हैं, जिस अवस्था में हम हैं, हमें लगता है कि आने वाला जीवन और अधिक संभावनाएं लेकर के आ रहा है। आने वाला जीवन कल आनंद लेकर के आएगा, कल भोगेंगे उसको। लेकिन हर कोई अतृप्त इस संसार से जाता है। ये अलेक्जेंडर, ये हिटलर, नादिर शाह, तैमूर लंग, जितने भी बड़े महान व्यक्ति हुए, जिन्होंने महान तो नहीं कहना चाहिए, जितने भी क्रूर हुए, जिन्होंने संसार पर चारों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश की, हर कोई संसार से खाली गया। अभी इंग्लैंड में चारों तरफ दंगे चल रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं
अपने रंग के नाम पर, लोग लड़ रहे हैं अपने धर्म के नाम पर, लोग लड़ते हैं अमीरी और गरीबी के नाम पर, लोग लड़ते हैं अपनी वेशभूषा के नाम पर, लोग लड़ते हैं अपनी संस्कृति के नाम पर, लोग लड़ते हैं अपने देश के नाम पर। भारत में तो परंपरा है कि जब किसी का जीवन समाप्त होता है 24 घंटे में उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। यहां के लोग व्यस्त हैं अपने जीवन में, किसी के मरने के बाद दाह संस्कार की तारीख निकाली जाती है कि 2-3 महीने बाद जब सब लोग फ्री होंगे तब उसका दाह संस्कार होगा। 2 या 3 महीने तक उनको शव ग्रहों में रखा जाता है। बड़े बड़े फ्रिज हैं, मैंने देखा है उनके अंदर, कि वहां पर चाहे कोई काला है, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है, हर कोई लेटा है आराम से। वहां सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। कोई 70 करोड़ की कोठी में रहता है, 7 करोड़ कमाता है, लेकिन हर कोई वहां पर 7 फिट के एक छोटे से बक्से में आराम से लेटा हुआ है। इंसान जो कुछ भी कमाता है, एक दिन मृत्यु सब कुछ छीन लेती है। संसार में बात होती है समाजवाद की, कि संसार में सबको बराबर मिले। इस संसार में तो कभी समाजवाद नहीं घट सकता, समाजवादी तो मृत्यु है जो सबको बराबर कर देती है। जिसने पाया, जिसने नहीं पाया, जो दिन में 56 भोग खाता था, जो दिन में सूखी रोटी खाता था, सबके सब बड़े प्रेम से एक छोटे से कमरे में हर कोई 7 फिट के बक्से में लेटा हुआ है। अब वहां कोई झगड़ा नहीं होता, अब वहां कोई दंगा नहीं होता, वहां कोई ये नहीं कहता कि मैं बड़ा, मेरा नाम बड़ा, मेरी जाति बड़ी, मेरी पहचान बड़ी। हर किसी को एक नंबर दिया जाता है कि बॉडी नंबर 104, बॉडी नंबर 105, यही पहचान है। कोई ना अघाया इनमें। यक्ष से पूछा था युधिष्ठर ने कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात इस संसार में क्या है। युधिष्ठर ने कहा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हर कोई देख रहा है अपने सामने इस संसार से लोगों को जाते हुए। एक पुत्र अपने पिता को अग्नि के हवाले कर रहा है, लेकिन इन लोगों के भीतर कभी भी ये बात ही नहीं जागती, कभी ये ज्ञान ही नहीं उदय होता कि एक दिन तुझे भी संसार से जाना है। जो घोंसला तुमने बनाया है, सदैव इस घोंसले में नहीं रहना, एक दिन पक्षी चला जाएगा, घोंसला यहीं पड़ा रह जाएगा। कोई न अघाया इनमें। और फिर सर जी आखिरी में जयराम भाई कंसारा को कहते हैं कि कब लो कांसा कूटेगा, कब लो हथौड़ा एहरन, कब लो घर में बैठेगा, आई सिर पर कयामत रोशन। सर जी कहते हैं कि जयराम कब तक, तुम अपनी उम्र को तो देखो, तुम पल पल बीतती हुई इन घड़ियों को देखो, पल पल हाथ से निकलते हुए इस समय को देखो, जो रेत की भांति तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा है। तुम्हारा जीवन जीवन के उन अंतिम क्षणों में आ पहुंचा है, जैसे वृक्ष से लटका हुआ एक पीला पत्ता, हवा का कौन सा झोंका अब गिरा तब गिरा जो अपने साथ उसे बहा करके ले जाए। कब लो कांसा कूटेगा, आखिर कब तक तुम कांसा कूटते रहोगे, कब लो हथौड़ा एरन, कब तक इस हथौड़े को कूटते रहोगे। थोड़ी सी ऊर्जा मिली है इस जीवन के अंदर, थोड़ी सी शक्ति मिलती है हर किसी को, अपनी इस ऊर्जा को क्या इसी में बहा दोगे। कब लो घर में बैठेगा, कब तक इस संसार के सुखों में तुम बैठे रहोगे, आई सिर पर कयामत रोशन। कि तू देख तो सही, जिस काल ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नहीं छोड़ा, जिसने योगेश्वर श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, भीम जैसे बलशाली को नहीं छोड़ा, धर्मराज जैसे युधिष्ठिर को नहीं छोड़ा, वो काल तेरे दरबार पर भी अभी आज नहीं तो कल दस्तक देने ही वाला है। कब लो घर में बैठेगा, कब तक यहां बैठा रहेगा। अपनी ऊर्जा का कुछ सार्थक प्रयोग करो, अपनी ऊर्जा से कुछ सार्थक बनाएं, अपनी ऊर्जा से कुछ सार्थक कमाएं। इस संसार में धन कमाया, यश कमाया, अब कुछ कमाई तो ऐसी भी जो भीतर की हो। लौकिक तो एकत्र किया,
लेकिन कुछ ऐसा हो जो अलौकिक भी हो एकत्र। एक व्यक्ति मरने वाला था, बुद्ध उसके समीप थे। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई पुण्य पाथे है? उसने कहा कि भंते ये क्या? बुद्ध ने कहा कि एक छोटी सी यात्रा पर व्यक्ति निकलता है तो अपने साथ नाश्ते की एक पोटली बांधता है, रास्ते में काम आएगी। तुम तो निकलने चले हो अब थोड़ी ही देर में एक अनंत की यात्रा पर, क्या तुम्हारे पास कोई पोटली है जो उस अनंत की यात्रा में तुम्हारे काम आए? क्या तुम्हारे पास कोई पुण्य पाथे है? हमारे बैंक भरे होंगे, हमारे घर सजे होंगे, लेकिन हमारा पुण्य पाथे क्या है? हमने कितनी अलौकिक संपदा को एकत्रित किया? हम सब देख सकते हैं जयराम भाई के कंसारा के उस चरित्र में, हम अपने आप को देख सकते हैं। और सृजी का यह संबोधन हम सब के लिए है। सृजी भी हमें इस वाणी के माध्यम से कह रहे हैं कि कब लो कासा कूटेगा, कि आखिर कब तक इस संसार की जिम्मेवारियों के अंदर हम अपने आप को अहर्निश डुबाए रखेंगे। संसार से परे जो है, लौकिक से परे जो अलौकिक है, उससे भी हम संबंध जोड़ें, अपना पालव अलौकिक से जोड़ें। संसार को सजाया है, हम अपने भीतर को भी सजाएं। संसार में हमने अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण दिया, हृदय में हम उस प्यारे को भी निमंत्रण दें। हमारे पास कुछ ऐसी संपदा हो जो हमारा पुण्य पाथे हो। जयराम भाई कंसारा के इस चरित्र से, सृजी के इस प्रबोधन से हम सब कुछ ना कुछ ग्रहण करें। और मेरा मानना है कि हम सभी सुंदर साथ और आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए सृजी का ये जो संबोधन है, ये एक शंखनाद की तरह कार्य करेगा। हर किसी के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगाएगा कि इस माया की दौड़ में, संसार की इस दौड़ में, इस भेड़ चाल में कब तक चलते रहोगे, कब लो कासा कूटेगा। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि इस महान संवाद से हम कुछ ना कुछ ग्रहण करें। हमारे भीतर भी ये प्रश्न उठे कि कब तक इस संसार में इस प्रकार से व्यवहार चलेगा, क्यों ना मैं लौकिक को छोड़ अब कुछ अलौकिक एकत्रित करूं, क्यों ना मैं अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाऊं, क्यों ना मैं अपने हृदय में आनंद के स्वरूप परमात्मा को आमंत्रित करूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी को यही कहूंगा कि सदैव सृजी के ये वाक्य हमारे कानों में गूंजते रहें। संसार की दौड़ में हम भागें, एक शंखनाद हमारे कानों में होता रहे कि कब लो कासा कूटेगा, कब लो हथौड़ा एहरन, कब लो घर में बैठेगा, आई सिर पर कयामत रोशन। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी के हृदय में विराजमान अक्षरातीत पर ब्रह्म को मेरे अनेक प्रणाम।